pertengkaran. Apa dia bata mari koperasi tin. Tu suin haba leti. Suin haba minuti. Agar bari kamar nahi ho tu suin haba pro ne ga. Nahi pro. Bar koi kaam karna padta. Tab suin haba उसी तरह से ध्यान अभ्यास का समय जिसका मन चंचल है ध्यान में होने लगेगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे देखो किसी आदमी को ध्यान करने में मन नहीं लगता है, उसका मन चंचल रहता है, मन अपवित्र रहता है, भजन में मन नहीं लगता है। गुरु महाराज की बड़ी माया है, चित्त अति चंचल विषय अति केवल सप्रेम भजन बल पापो न साधन बिन ध्यान भजन साधन करो चित आपत्त। अपने भी करिए रामकृष्ण जी महाराज कहते ध्यान करो बल बिन बल बिन अकोरा। एक बार मैं इलाहाबाद गया था, कुंभ का मेला लगा हुआ था, देवराहा बाबा थे, नाम सुने होगा। उनको बच्चा जब भी कराता है तो नदी के किनारे है, अब जहां उनका बच्चा कराया जाता था परि निकलता था। अभी दर्शन करने के लिए गए थे, वो हमेशा बोलते थे तंदा रहा है यार, रहा है कपड़ा नहीं पहनते थे बिल्कुल छाला ला है ला है ला है। मैंने उनके शिष्य से पूछा कि बाबा क्या बोलते हैं, बोलता है कि सत्य की बात आप क्या बताएंगे, लेकिन हमको लगता है कि बोल रहे हैं संसार लाल है। तो अंदर से जब बाहर आते थे बचार पर बैठते थे, लोगों से पूछते थे बोलो तुम लोगों का क्या जिज्ञासा है, कोई जिज्ञासा हो तो पूछो, तो सब लोग हाथ उठाते थे, आप भी हाथ उठाइए। तो कहते बोलो बच्चा, योरा बाबा कहते बोलो बच्चा तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। तो मैंने कहा बाबा हमारी जिज्ञासा ये है कि भजन करने के लिए जंगल जाने की जरूरत है कि नहीं। तो कहते देखो जी भजन करने के लिए जंगल में जाने की जरूरत है और नहीं भी है। कहते हैं देखो गाछ जब छोटा रहता है तो उसको बाड़ा से घर देते हैं, ईटा से घर देते हैं, चारों तरफ बाड़ा लगा देते हैं, तो गाय भैंस उसको खा जाएगा पौधा। लेकिन वही पौधा बड़ा हो जाता है, आपका गाछ बड़ा हो जाता है तो 10-10-20-20 गाय बात दीजिए तो क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। उसी तरह से साधक जब छोटा है तो उसको घेर करके रखने की जरूरत है, लेकिन जब पिछ का रूप लेगा तो फिर घेरने की जरूरत नहीं, बाड़ा हटा देते। तो प्रारंभिक अवस्था में एकांत में ध्यान करने की जरूरत है, कठोर परिश्रम का पालन करेगा, ध्यानाभ्यास करेगा और ध्यान साधना करने का माहौल बनेगा तो ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए अभ्यास सदा बढ़ाते रहना चाहिए, अभ्यास सदा बढ़ाते रहना चाहिए, रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, एक मिनट रोज बढ़ा दिए, आज 10 मिनट बैठे तो कल 11 मिनट बैठे, 12 मिनट बैठे तो पता भी नहीं लगेगा ध्यान भी बढ़ते चले जाएंगे। चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास जब करिए, बारिश ध्यान करिए, इस बड़े काम में होता चला जाएगा। देखिए प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है, अभ्यास अभ्यास बड़ा गुरु है और अभ्यास नहीं करने का नाम चेला है। विलियम शेक्सपियर लिखते हैं प्रैक्टिस मेक्स यू मेड परफेक्ट, बट नॉट ओनली प्रैक्टिस मेक्स यू मेड परफेक्ट, बट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू मेड परफेक्ट। अब प्रैक्टिस
कैसे करें? तो प्रथम की प्रैक्टिस करें। एक हाथी बाघ था, वो हाथी पालता था, चार पांच हाथी को रखता था, वो हाथी 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 बच्चा गिर अपने बेटा को पहलवान बनाता था, तो हाथी का बच्चा को रोज उठाता था चार पांच बार, वो तो रोज उठाता था, प्रैक्टिस करता रहा, हाथी बड़ा हो गया तो भी उसको उठा लिया। महाभारत का युद्ध होता है ना, देखते हैं महाभारत का बहुत बड़ा युद्ध हो। एक बार महाभारत के युद्ध में एक हाथी बैठ गया, कीचड़ पर धस गया उसका पैर। अब कैसे धस गया कीचड़, कैसे निकाला जाए? तो हाथी वाले ने कहा कि निकल जाएगा, एक उपाय है। बोला क्या? बोला युद्ध का बाजा बजाओ। तो युद्ध का बाजा बजाया, हाथी एकदम कीचड़ से एकदम फौरन निकल गया। युद्ध का बाजा बजा, हाथी निकल गया। ये युद्ध का बाजा क्या है? यही सत्संग युद्ध का बाजा है, ये ध्यान अभ्यास युद्ध होता है। युद्ध का बाजा जो ध्यान नहीं करना चाहता वो भी ध्यान में बैठेगा, यानी सब लोग ध्यान में बैठे हैं, अब नहीं बैठेंगे तो लोग क्या कहेंगे? तो डर से भी करिए, डर सार चीज है। कबीर साहब कहते हैं, डर कर भी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, और डरत रहे तो घूमरे काफी खावे। डरते रहिएगा भगवान से, परमात्मा से, गुरु से, तो आप सदगुरु बनिए। काफी खावे वहां नहीं तो डर लगेगा। इसलिए ध्यान अभ्यास पढ़ाइए, कभी कभी ध्यान अभ्यास का भी चलाइए आश्रम में। सबसे बुद्धि बड़ा अपना बड़ा शब्द है, चिड़ैया खोल दो और ध्यान अभ्यास रखिए, समय निकाले करके सब जाइए ध्यान करिए, और बहुत पैसा खर्च हुआ है। आज सत्संग मंदिर में कोई नहीं रहता है, हमारे सुखाई बाबू है वही रहते हैं, देख रेख करते हैं, सत्संग करते हैं। अर्जुन बाबू है हमारे, भी चले जाते हैं, और बहुत सारे सत्संग जाते हैं, जाना चाहिए और लाभ उठाना चाहिए, बहुत एकाल है। समय कितना हुआ भयंकर, अभी तो बहुत खुश है, साढ़े आठ हो गया। आज सत्संग डेढ़ साल के ऊपर उपलक्ष्य में हमारे आदरणीय श्री सुखदेव बाबू, ये दो भाई है अर्जुन बाबू और सुखदेव बाबू, बहुत गुरु महाराज के परम भक्त है। इस सत्संग का आयोजन करवाया है, ये भी बड़ी उदारता है, दान धर्म में भी बहुत आगे बढ़े जाते हैं, साधु से भी है, सत्संग करवाते रहते हैं, तो गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, इसी तरह से सत्संग कराते रहे और लोगों का कल्याण होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से, श्री सदगुरु यदि आप सबके लिए मंगलमय हो। मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आप कहते हैं।